एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में बताया जाता है जो भी एक पर्सन यहाँ पर अल्टीमेट मॉन्स्टर काइजा अल्ट्रा फेट को हराएगा उसको जो है यहाँ पर एक रिवॉर्ड मिलेगा। वो रिवॉर्ड है कि वो उससे जो है कोई भी यहाँ पर जो है अपनी विश को पूरा कर सकता है। और यहाँ पर रिक बोल रहा होता है लेकिन उस मॉन्स्टर को मैं नहीं हरा सकता हूँ। और अभी के टाइम पर जो यहाँ पर बच्चे एडवेंचर बनने का यहाँ पर सामने देखते हैं वो ही बच्चे जाके आगे जाके जो है उस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं और वो जो है अपने विश को जो है पूरा कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको सीन दिखाया जाता है यहाँ पर गिल सेक्शन का, वहाँ पर जो है यहाँ पर एलिसा बता रही होती है कि जो अब लोग जो यहाँ पर जो है फर्स्ट राउंड में जो पास करे हैं तो उनका जो है यहाँ पर रिजल्ट जो है आपके कार्ड के ऊपर शो करने वाला है। और जो है यहाँ पर ब्लू कलर का लाइट आने वाला है जो आप पास होने वाले हैं। और उसके बाद जो है आप नेक्स्ट यहाँ पर राउंड में जाने वाले हैं यहाँ पर मॉक बैटल में, तो आपके यहाँ पर जो है शो करने वाला है आपके कार्ड के ऊपर आपका रिजल्ट। तो वहाँ पर तो रिक जो है काफी ज्यादा यहाँ पर जो है घबरा रहा होता है कि वो जो है यहाँ पर कम्प्लीट भी कर पाएगा यहाँ पर इस टेस्ट को, वो यहाँ पर पास हो पाएगा। तो यहाँ पर वो यहाँ पर रीराइट बटन लगता है, तुम फिक्र मत करो तुम जो यहाँ पर पास हो जाओगे। तो ये देख के जो यहाँ पर रिक मन में सोचने लगता है मैं अगर यहाँ पर 10 साल छोटा होता तो मैं इससे शादी कर लेता। एंड उसके बाद रीराइट बताने लगता है कि तुम अगर यहाँ पर फेल हो गए तो तुम्हारा जो है ट्रेनिंग जो और भी ज्यादा यहाँ पर जो है 3 गुण ज्यादा हो जाएगा। एंड उसके बाद जो है रिक का जो यहाँ पर जो है कार्ड जो यहाँ पर ब्लू कलर में यहाँ पर चेंज हो जाता है एंड वो जो यहाँ पर पास हो जाता है। ये देख के वो जो है काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एंड उसके बाद जो है वो दोनों जो यहाँ पर उस रूम से जो बाहर आ जाते हैं एंड जो है रिक को जो एक अजीब से यहाँ पर जो स्मेल आने लगता है। तो और उसके बाद जो वहाँ पर एक लड़का आता है वो जो वहाँ पर आके जो यहाँ पर रिरेट को जो यहाँ पर छेड़ने लग जाता है। एंड वो बताने लगता है वो जो है डीमूट फैमिली का मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ और जो है हम लोग नॉर्थ को जो यहाँ पर गर्व करते हैं एंड हम मेरा नाम है यहाँ पर रास्टर। और ये सुन के जो यहाँ पर नॉर्थ यहाँ पर जो है रिक सोचने लगता है तो इसका नाम कितना अजीब है और इसको तो मैं यहाँ पर नॉर्थ बोल के ही बुलाऊंगा। तो रिरेट से जो है वो अपना नाम पूछता है तो रिरेट भी जो है अपना नाम बता देता है। एंड रिक सोचता है कि ये भी जो है लगता है यहाँ पर एडवेंचर बनने के लिए आया है और रिक जो है अपना नाम बता देता है। एंड उसके बाद नॉटरी बोलता है मैंने क्या तुमसे तुम्हारा नाम पूछा है क्या। और उसके बाद जो है यहाँ पर नॉटरी जो है वो जो है यहाँ पर जो है रिरेट को जो यहाँ पर छेड़ने लग जाता है और बोलता है तुम ना कितने खूबसूरत हो, तुमने ना मेरा एक चीज चुरा लिया है। और वो यहाँ पर रिरेट बोलता है क्या, वो बोलता है मेरा दिल। एंड उसके बाद वो बोलता है तुम क्या मेरा सेकंड वाइफ मानोगे, मैं ना तुमको बहुत ही ज्यादा खुश रखूंगा। और उसको ऐसे यहाँ पर जो है प्रपोज करने लग जाता है यहाँ पर। उसके पास ये सब देख के जो है रिक को जो है यहाँ पर अच्छा नहीं लगता है और रिक जो है यहाँ पर सामने आकर बोलता है रिरेट जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम जो है उससे दूरी रहो। एंड उसके बाद वो देख के यहाँ पर जो है नॉटरी पूछ लगता है तुम कौन हो, तुम तो लगता है 30 साल के ज्यादा उम्र के हो। और उसके बाद जो यहाँ पर नॉटरी देखता है उसके हाथ में जो यहाँ पर एग्जाम नाम का कार्ड है और वो देख के बोलता है तुम यहाँ पर जो एग्जाम देने के लिए आए हो यहाँ पर एडवेंचर बनने के लिए, तुम्हारा तो यहाँ पर उम्र तो ज्यादा ही हो गया है कुछ। और उसके बाद यहाँ पर रिक भी बोलने लगता है मुझको तो लगता है तुम्हारी भी उम्र जो यहाँ पर 26 साल है। और उसके बाद जो है वो बोलता है हाँ मैं यहाँ पर 26 साल का हूँ लेकिन मैं तुमसे बेहतर हूँ क्योंकि मैं जब 14 साल का था तब भी मैं यहाँ पर एक ई रैंक का एडवेंचरर हूँ और अभी मैं हूँ एक ए रैंक का एडवेंचरर। और उसके बाद जो है वो अपने यहाँ पर ए रैंक का एडवेंचरर होने का प्रूफ भी दिखाता है यहाँ पर एक मेडल टाइप का। एंड वो देख के यहाँ पर रिक जो है थोड़ा सा यहाँ पर घबरा जाता है एंड नॉटरी बोलने लगता है तुम जो है यहाँ से हट जाओ और जो है हम मुझको रिरेट को जो है थोड़ी सी अकेला रहने दो। एंड ये देख के जो यहाँ पर रिरेट भी जो है यहाँ पर रिक को जो यहाँ पर पकड़ लेता है एंड बोलता है रिक जो है मेरा यहाँ पर बॉयफ्रेंड है और सॉरी मैं जो है तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ, जो मेरा रिक जो है बॉयफ्रेंड है। एंड जो है ये इससे जो है रिक जो है काफी ज्यादा समझाया जाता है क्योंकि जो है उसका यहाँ पर जो है चंगू मंगू जो है यहाँ पर रिक के हाथ से त्रास हो रहा था एंड वो काफी ज्यादा शर्मा गया था। एंड यहाँ पर रिरेट बोलता है कि तुम्हारा जो यहाँ पर परफ्यूम का सेंट जो है काफी ज्यादा यहाँ पर जो है स्ट्रांग है और मुझको यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है और बोलता है तुम वहां से यहाँ से चले जाओ। और उसके बाद रिक भी बोलने लगता है वो यहाँ पर वो गन जो है यहाँ पर इससे आ रही थी इतना बदबूदार यहाँ पर परफ्यूम। तो उसके बाद जो है नॉटरी जो है काफी ज्यादा जो यहाँ पर गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है मैं अगर तुम्हारा जो है यहाँ पर एग्जाम का इंसर्ट्स बना तो मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ रिक और तुमको मैं उस एग्जाम में देख लूंगा। एंड उसके बाद जो है वो वहां से चला जाता है।
तो उसके बाद जो यहाँ पर रिक जो है वो अपने हाथ यहाँ पर जो है हटा लेता है। तो उसके बाद जो यहाँ पर रिक बताने लगता है मुझको माफ कर देना रिरेट की मैंने तो तुमको जो है मैंने मेरा बॉयफ्रेंड बताया और जो है तुम जो है इससे गुस्सा तो नहीं हो ना। तो उसके बाद यहाँ पर रिरेट भी बोल देता है कि नहीं मैं यहाँ पर गुस्सा नहीं हूँ और वैसे भी तुमने तो मुझको एक परेशानी से बचाया है। और ये सोच के जो है यहाँ पर रिक जो है काफी ज्यादा यहाँ पर जो शर्माने लग जाता है। एंड उसके बाद जो सीन आता है यहाँ पर नॉर्थ रे की ओर। तो नॉर्थ रे जो है काफी ज्यादा यहाँ पर जो है गुस्सा था यहाँ पर रिक से बदला लेने के लिए। एंड उसका जो है यहाँ पर एंजेलिका एंड उसका जो है छोटा भाई आ जाता है क्योंकि वो उन दोनों का जो है बड़ा भाई है। और आके बोलने लगता है एक जो है यहाँ पर 30 साल का ज्यादा एक बुढ़ा आदमी जो है हम दोनों को काफी ज्यादा जो है यहाँ पर परेशानी ने फैला था और काफी ज्यादा जो है हमको परेशान किया है। और उसके बाद जो है पर नॉर्थ रे भी सोचने लगता है एक 30 साल का बुढ़ा और काफी ज्यादा खड़ूस। और उसके बाद तो वो यहाँ पर सोचने लगता है वो शायद से रिकी होगा। और ये सोच का जो को और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो बोलने लगता है मेरे पास एक प्लान है ध्यान से सुनो। तो उसके बाद जो फिर से सीन आता है यहाँ पर रिक की तो रिक जो है काफी ज्यादा घबरा रहा था क्योंकि उसका एग्जाम नंबर 1 यहाँ पर जो है नॉट डी ना बन जाए। एंड उसके बाद जो उसके सामने जो यहाँ पर एक आदमी आता है और बोलता है तुम रिक हो ना। तो रिक बोलता है हाँ मैं ही रिक हूँ। तो उसके बाद जो है वो बोलने लगता है मेरा नाम है यहाँ पर लिक्स और जो है मैं जो है तुम्हारा नेक्स्ट राउंड का जो है यहाँ पर एग्जाम नंबर हूँ। और ये बात सुनकर जो है रिक जो है काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एंड लिक्स बताने लगता है कि तुम जो है यहाँ पर 30 साल के उम्र में जो है यहाँ पर गिल रिसेप्शनिस्ट का काम करते थे और जो है तुम अभी जो है यहाँ पर जो है एक एडवेंचर बनने का यहाँ पर जो है एग्जाम दे रहे हो। और बोलता है यहाँ पर रिक बोलता है हाँ मैं जानता हूँ मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ। और यहाँ पर वो यहाँ पर जो है लिक्स बताने लगता है नहीं तुम यहाँ पर लेट नहीं हो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम जो है अभी भी अपना जो है विल पावर को जो है खोए नहीं हो और मैं भी इससे जो है काफी ज्यादा जो है यहाँ पर मोटिवेटेड हो चुका हूँ। और वो बताने लगता है मैं भी जब यहाँ पर 24 साल का उम्र में था तो मैंने भी यहाँ पर जो है एग्जाम दिया था और मैं जो आप पे एक एडवेंचर हूँ। और जो है मुझको और उसके बाद जो है लिक्स जो है बताने लगता है तुम्हारा कोई सपना है ना। और उसके बाद रिक बताने लगता है हाँ मेरा भी एक सपना है लेकिन तुमको इसके बारे में कैसे पता। वो बोलने लगता है मेरा भी यहाँ पर एक सपना है लेकिन उस सपने को अचीव करने के लिए मुझको आप एक यहाँ पर जो है ए रैंक का एडवेंचरर बनना पड़ेगा। और अभी भी जो है मुझको जो है यहाँ पर मैं सिर्फ एक बी रैंक का एडवेंचरर हूँ लेकिन मुझको जो है यहाँ पर बी रैंक का एडवेंचरर बनने के लिए 20 साल लग गए। और उसके बाद जो है रिक भी यहाँ पर जो है काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उसके जैसा भी एक यहाँ पर है और जो है वो काफी ज्यादा जो है उसकी तरह है। और जो है वो दोनों जो यहाँ पर हाथ मिलाने लग जाते हैं और बोलते हैं ठीक है हम लोग यहाँ पर मॉक बैटल में मिलेंगे और जो है मैं तुमको यहाँ पर छाड़ नहीं देने वाला हूँ रिक। और उसका रिक भी बोलता है हाँ मैं भी यहाँ पर जो है मेरी पूरा यहाँ पर जो है ताकत के साथ बैटल करने वाला हूँ। और उसके बाद जो यहाँ पर ये दोनों के बाद जो है यहाँ पर जो है नॉटरी सुन लेता है। एंड उसके बाद जो यहाँ पर लिक्स जो है वो यहाँ पर जो है जा रहा होता है तब उसके सामने जो है पर नॉटरी आ जाता है। एंड उसके बाद सीन आता है तो वहाँ पर जो है एक आदमी आता है और वो बोलता है तो तुम्हारा यहाँ पर जो है एक जनामर है जो यहाँ पर लिक्स उसका जो है अचानक की जो है पर तबीयत खराब हो चुका है तो वो जो है यहाँ पर नहीं आएगा उसके जगह में यहाँ पर जो है रास्टर आएगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पर रिक जो है बोलने लगता है ये रास्टर कौन है। उसके बाद जो है रिरैक बोलने लगता है कि वो रास्टर जो है वही यहाँ पर जो है पपून वाला बंदा है। और उसके बाद वो बोलने लगता है यहाँ पर नॉटरी। और उसके बाद वो बोलता है अभी लोग जो है यहाँ पर उसके बारे में बात करने लगते हैं नॉटरी के बारे में। वो बोलने लगते हैं कि वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक है वो तो यहाँ पर जो है 16 साल के उम्र में जो यहाँ पर एक ए रैंक का एडवेंचरर बन चुका है और उसको जो है यहाँ पर 1000 स्पेल का यहाँ पर जो है टाइटल भी मिल चुका है। और वो जो है यहाँ पर न्यू एडवेंचर जो भी बनते हैं तो उनको जो है यहाँ पर बिल्कुल भी वो छोड़ता नहीं है। और ये बात सुन के तो रिक जो है काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो बोलता है वो तो मुझको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। एंड उसके बाद जो यहाँ पर एग्जाम का से एग्जाम साइट का जो यहाँ पर सीन दिखाया जाता है यहाँ पर नॉट दी जो है यहाँ पर जो है अपने पावर से जो है यहाँ पर सभी एग्जामर्स को जो है काफी ज्यादा जो यहाँ पर मार रहा होता है। एंड उसके बाद जो यहाँ पर सीन आता है यहाँ पर जो है रिक की और रिक एंड रिरेट जो यहाँ पर बैठे हुए थे। एंड रिक जो है काफी ज्यादा जो यहाँ पर घबरा रहा होता है और वो सोच रहा था वो तो आज मैं यहाँ पर गया। एंड वो बोलने लगता है कि हाँ मुझको जो यहाँ पर हार्ड रोग जो यहाँ पर जो है बुली करते हैं और बताते हैं मेरा उम्र जो है 30 साल का हो गया है मुझको यहाँ पर जो है एडवेंचरस बनने का सपना जो यहाँ पर छोड़ ही देना चाहिए। एंड रिक भी सोचता है मुझको यहाँ पर लगता है शायद से छोड़ ही देना चाहिए मुझको यहाँ पर गिव अप कर लेना चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पर रिरेट बताने लगता है ठीक है तुम्हारा यहाँ पर जो है हौसला बढ़ाने के लिए कोई नहीं है ठीक है मैं तुमको यहाँ पर जो है तुम्हारा हौसला बढ़ा देता हूँ। और उसका वो बोलना लगता है कि तुम देखो यहाँ पर 2 सालों तक जो है मैं हमारे साथ जो है पर ट्रेनिंग किया है
और तुमने जो है काफी ज्यादा जो है यहाँ पर हार्डवर्क किया है, और मैं जानता हूँ तुम जो यहाँ पर उस नॉटरी के बच्चे को तुम यहाँ पर जो है हारा के दोगे। और उसके बाद जो यहाँ पर रिक भी जो है पर काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव में हार जाता है, एंड उसको भी जो है यहाँ पर काफी अच्छा लगता है, एंड वो बोलता है मैं उसको हरा के छोड़ूंगा। एंड एक जो यहाँ पर आदमी आता है आके बोलता है तुम जो यहाँ पर एग्जाम हो ना, तो तुमको जो है अपने एग्जाम के बारे में जो है फिक्र है, तो मैं यहाँ पर आऊँ मेरे साथ, तो मैं तुमको यहाँ पर जो फॉर्चून टेलर से बता देता हूँ तुम्हारा एग्जाम कैसा होने वाला है। तो रिक भी यहाँ पर आ जाता है, एंड वो आदमी बोलता है तो तुम इस कुश्ती पर बैठो। तो यहाँ पर रिक जो है उस कुर्सी पर बैठने ही वाला होता है कि उसको यहाँ पर जो है रिडेट को देखने को मिलता है कि उस कुर्सी पर जो यहाँ पर एक स्पेल लगा हुआ है, एंड उसको यहाँ पर रिक को रोकने वाला ही होता है कि रिक उस कुर्सी में बैठ जाता है, वो जो है अब वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। एंड उसके बाद जो है वो आदमी जो है काफी जोरों से हंसने लगता है, एंड वो होता है यहाँ पर डायमंड फैमिली का वही छोटा लड़का, तो वो जो है यहाँ पर काफी ज्यादा हंस रहा था, एंड ये देख के जो है पर रीडेट जो है काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसको पकड़ के जो है पर काफी ज्यादा यहाँ पर हम एक अटैक करता है, जिससे जो पीछे का दीवार जो है यहाँ पर टूट जाता है, एंड वो जो है हमने पावर से जो उसको डराने लग जाता है, एंड बोलता है तो तुम यहाँ पर नहीं बताओगे तो उसको जो है कहाँ पर टेलीपोर्ट किया है, और मैं बनना तुम्हारा जो यहाँ पर आके ही फोड़ दूंगा। एंड वो जो है काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्से में था, एंड उसके बाद जो है पर वो बताने लग जाता है कि टेलीपोजन जो मैजिक जो है काफी यहाँ पर जो है ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो हम लोग जो है उसको ज्यादा दूर भेज नहीं पाए, हम सिर्फ यहाँ पर 1000 मीटर ही जो है दूर भेज चुके हैं यहाँ पर रिक को। और उसके बाद जो यहाँ पर अगले सीन में दिखाया जाता है रिक जो है पर अलग ही जगह में आ गया था, एंड उसके सामने जो यहाँ पर डिमोट फैमिली का यहाँ पर जो है एलीट गार्ड्स है, एंड वो बताने लग जाता है हम जो है तुमको यहाँ पर मार देंगे आज। और ये देख के जो है रिक थोड़ा सा घबरा जाता है, एंड वो यहाँ पर बताने लग जाता है कि हाँ इसको मारने के लिए जो मास्टर के हाथ जो यहाँ पर गंदे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसको जो है हम ही मार देंगे यहाँ पर। और जो है वो बताने लग जाता है कि यहाँ पर जो है हम जो यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर जो है बी रैंकर जितना पावरफुल है, और इससे तो यहाँ पर जो है कुछ गार्ड्स तो यहाँ पर जो है ए रैंकर भी है। और उसके बाद जो है वो अपना हथियार को खोल लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर जो है ऊपर से जो है यहाँ पर रिक को जो है कोई पुकारता है, एंड वो होता है यहाँ पर जो है रिक का मास्टर, तीनों मास्टर, एंड वो यहाँ पर नीचे में आ जाते हैं, एंड आके बोलता है रिक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वहाँ पर रिक जो यहाँ पर उनको देख के जो है घबरा जाता है, एंड रिक बताने लग जाता है उन लोगों से जो है तुम्हारा अपना जान का फिकर है तो तुम यहाँ से चले जाओ, वरना यहाँ पर जो है तुम लोग मानने वाले हो। तो वहाँ पर आके जो है वो यहाँ पर उसमें से एक मास्टर जो यहाँ पर वर्क होता है, तो वो वर्क आके बोलता है रिक से जो है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारे एग्जाम का क्या हुआ। तो यहाँ पर रिक बताने लगता है मेरा एग्जाम से पहले जो है लोग मेरा वार्म अप कर रहे थे, तो यहाँ पर वर्क ही बोलता है तो मैं भी तुम्हारा इस वार्म अप में शामिल हो जाता हूँ। एंड उसके बाद जो है वहाँ पर एक आदमी जो है पर उस हमला कर देता है वॉक के ऊपर, तो वो तलवार जो है उसका टूट जाता है, एंड वॉक बताने लगता है तुम्हारे यहाँ पर जो है एक हमले में गलती है। तो ये सुन के जो आदमी जो गुस्सा हो जाता है एंड हमला करता है, लेकिन वॉक जो है उसका अटैक को रोक देता है, एंड उसका हाथ जो है पर तोड़ देता है, एंड फिर बाद में जो है उसका हाथ को जो है पर हील कर देता है, एंड बोलता है तुम्हारे हमले में जो है यहाँ पर एक गलती है। तो बताने लग जाता है, एंड वो जो है यहाँ पर वो लोग जो देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक और जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, और जो है वो यहाँ पर मैजिक का भी यूज कर सकता है। एंड उसके बाद जो यहाँ पर रिक का एक और मास्टर जो है बताने लगे यहाँ पर आके बोलता है कि तुम लगता है यहाँ पर जो है मुसीबत में फंस गए हो, तो मैं यहाँ पर जो है शांति से जो है इस मामले को यहाँ पर खत्म कर देता हूँ। एंड उसके बाद जो है वो यहाँ पर एक बड़ा सा गान निकलता है, एंड वो फायर करने लग जाता है। एंड उसके बाद रिक बोलता है यहाँ पर शांति से यहाँ पर जो है मामला खत्म कर रहे थे तुम, यहाँ पर सबको मान रहे थे। और उसके बाद जो है उसके वहाँ के एक बंदा जो यहाँ पर एक जो जो है उसका एक और मास्टर जो यहाँ पर छोटी लड़की को जो यहाँ पर पकड़ लेता है, एंड बोलता है जो है मैं इसको खत्म कर दूंगा, तो तुम लोग अपना हथियार फेंक दो। तो उसके बाद वो लड़की बोलता है तुम क्या मेरे साथ खेलने वाले हो। तो उसके बाद जो है वो चाकू जो है उस लड़की के गले में लगा देता है, तो उससे उसको दर्द होता है, और वो जो है यहाँ पर काफी गुस्से में आके जो यहाँ पर अपना फायर मैजिक को यूज करता है, एंड पूरा का पूरा वहाँ पर जितने भी वहाँ पर उसको पकड़ के रखे थे तो वहाँ पर सब जो है पर ब्लास्ट में उड़ जाते हैं। एंड उसके बाद जो है वो सब बताने लग जाते हैं कि वहाँ पर वो लोग बताने लग जाते हैं कि इसने तो एक ही बार बोल के जो यहाँ पर 7 नेचर का जो यहाँ पर स्पेल बोल दिया। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो एक और आदमी बताने लग जाता है, और ये जो यहाँ पर वैम्पायर और मेच है, और जो है इससे सिर्फ 10 साल की है, लेकिन ये जो है इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मेच है, और इसको जो है डिमन चाइल्ड ऑफ मेच भी बोलता है।
और इसका नाम है यहाँ पर एलिजा रेड। और उसके बाद जो वो बोलने लगते हैं, जो दूसरा आदमी है ये जो यहाँ पर आधा यहाँ पर डार्क और आधा जो यहाँ पर एल्फ है, और ये जो यहाँ पर हजारों साल का बाद का भी यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी को ये जो यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और ये जो यहाँ पर इस दुनिया का बेस जो यहाँ पर वही पे यहाँ पर कार्पमेंट है, और ये जो यहाँ पर इसका नाम है मिजन एलक्राफ्ट। एंड उसके बाद जो है दूसरा जो यहाँ पर एक ऑर्क है, इसके पास जो है सुपर ह्यूमन सेंट और इसके पास जो है इंटेलिजेंट भी है। एंड इसके पास जो यहाँ पर दूसरे यहाँ पर जो है सारे मैजिक का जो यहाँ पर मास्टर करके रखा है, और ये जो यहाँ पर ब्रोक स्टोन और ये जो है इसका नाम है। एंड इसके बाद ये बताने लग जाता है ये तीनों जो यहाँ पर एस रैंक का जो यहाँ पर एस रैंकर यहाँ पर है, और जो है ये तीनों जो है यहाँ पर इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी यहाँ पर जो है काम फेस का यहाँ पर जो है मेम्बर्स है। और मैं इन तीनों को देख के जो है मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, और मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ जो इन तीनों को देख पाया, और मैं जो हूँ आप यहाँ पर चैन से मार सकता हूँ। एंड उसके बाद जो यहाँ पर अगले सीन में दिखाया जाता है वही लड़की, छोटी लड़की को जो इन सभी को जो यहाँ पर ख़त्म कर देता है। एंड उसके बाद जो है रिक बोलता है तो यहाँ का सब यहाँ पर जो है झामेला ख़त्म हो चुका है, तो मैं चला जाता हूँ मेरा एग्जाम देने के लिए। तो उसके बाद जो सीन आता है यहाँ पर रीरेट को, तो रीरेट जो अभी भी उसको पकड़ के रखा हुआ था, तो वहाँ पर जो है रिक आ जाता है एंड बोलता है मैं आ गया हूँ तो उसको छोड़ दो, तो उसको वहाँ पर छोड़ देता है। एंड उसके बाद जो है लिक जो है काफ़ी जंगमी होके जो है यहाँ पर रिक के पास आ रहा था, और बोलता है यहाँ पर जो है मेरा ये हालात जो यहाँ पर नोटरी ने किया था, क्यों बोलते हैं मुझको यहाँ पर जो है पूछा था कि जो है मेरा यहाँ पर जो है सपना क्या है, तो मैंने उसको यहाँ पर बताया था मेरा सपना जो है मेरा होम टाउन पर जाके जो है मेरे जो है स्कूल यहाँ पर एक स्कूल खोलूँगा, जिससे जो है यहाँ पर जो है वहाँ के बच्चे जो है यहाँ पर एडवेंचर का जो है पढ़ाई वगैरह कर सके। और उसने जो है मेरा ये सपना सुन के जो यहाँ पर मेरे ऊपर हंस के जो है मुझको बहुत ही खतरनाक मारा, और मुझको मार के जो है मुझको एक जगह में कैद करके रखा है, और मैं जो है काफ़ी मुश्किल से जो है मैं वहाँ से भाग आया। और उसके बाद जो यहाँ पर बोलने लगता है रिक तुम जो यहाँ पर हार मान दो, वो ना काफ़ी स्ट्रांग है, तुम उससे हार यहाँ पर जीत नहीं पाओगे। तो उसके बाद जो यहाँ पर रिक बताने लगता है फिक्र मत करो, मैं ना तुम्हारा यहाँ पर बदला लूँगा, मैं उस नॉर्थी को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। और उसके बाद जो यहाँ पर सीन आता है नॉर्थी का, तो नॉर्थी जो है अभी भी जो यहाँ पर दूसरे एग्जामिनर्स को जो यहाँ पर अभी भी जो है काफ़ी मार रहा होता है। एंड यहाँ पर जो है रिक जो है काफ़ी गुस्से में जो है उसके ओर बढ़ रहा होता है। एंड इसके साथ ही जो है एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एंड तुम लोग बोलना जो है एपिसोड कैसा लगा, एंड जो है नेक्स्ट एपिसोड जो यहाँ पर अगले हफ्ते आने वाला है। एंड तब तक के लिए तुम मैं यहाँ पर दूसरे एनिमेस को अपलोड करने वाला हूँ, दूसरे एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो को, तो तुम लोग उन सब को देख सकते हो। और मैं तुम सब के लिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।